ये है वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट टेंशन। वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहली बात हमें ये नोटिस करनी है कि ये जो वर्ड्स हैं वर्क एंड एनर्जी, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में अपनी बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं, लेकिन यहां वहां पे जो इनका मीनिंग होता है और फिजिक्स में जो मीनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ आई एम वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक टुडे, लेकिन इन सेंटेंसेस में जो वर्क एनर्जी का मतलब है और फिजिक्स में जो मतलब होता है वो कंप्लीटली अलग है। स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क की डेफिनेशन से। अगर एक पॉइंट पे कोई फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होती है मान लीजिए छोटे से टाइम डीटी में डीएस वेक्टर, देन वर्क डन की डेफिनेशन होगी डीडब्ल्यू इक्वल्स एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फोर्स वेक्टर और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आपको बताया डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से मैं इसको लिख सकता हूं एफ डीएस कॉस थीटा। इसमें हम नोटिस करेंगे कि एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है। अगर आप एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इनिशियल पोजीशन 1 से फाइनल पोजीशन 2 पे जा रहे हैं कोई पाथ फॉलो करते हुए, तो आप उसका वर्क डन निकाल सकते हैं बाय एडिंग ऑल द वर्क डन इन स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। छोटी-छोटी डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क डन होगा उनको सबको ऐड कर दे यानी इंटीग्रेट कर दे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, व्हिच मींस फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू पोजीशन 1 से पोजीशन 2 एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। वर्क डन की डेफिनेशन dw equals f vector dot ds vector. इसमें हमें ध्यान रखना है कि ds vector जो है, it is the displacement of the point where the force is acting. जिस point पर force act कर रही है, force लग रही है, उस point की displacement हमें देखनी है। एक example consider दीजिए, मान लीजिए आपके पास एक thin rod है, जिसको हमने एक point पे hinge किया हो, तो hinge किया होने का मतलब है कि ये point fix रहेगा, लेकिन इस point के about rod rotate कर सकती है। मान लीजिए initially rod vertical थी, इसको हमने रोटेट कर दिया एंड फाइनली ये हॉरिजॉन्टल हो। इस प्रोसेस में हिंज से जो भी फोर्स लग रही होगी उसका वर्क डन जीरो होगा, सिंपली बिकॉज़ ऑल्दो ये पूरी रॉड रोटेट कर रही है लेकिन जिस पॉइंट पे वो हिंज फोर्स एक्ट कर रही है वो पॉइंट स्टेशनरी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हिंज फोर्स का वर्क डन जीरो है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है dw equals f vector dot ds vector, इसके कुछ हम स्पेशल केसेस देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उन स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस में कंसीडर कर रहा हूं जबकि आपका फोर्स वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डीएस वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस केस में फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो हम इस डेफिनेशन से देख सकते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इस डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जीरो होना चाहिए। एज एन एग्जांपल अगर आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट मास है जिसको आप एक स्ट्रिंग से बांध के एक सर्कल में रोटेट करा रहे हैं, सपोज आपने एक स्ट्रिंग से उसे बांधा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसे आप रोटेट करा रहे हैं, तो आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे टेंशन तो जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, जबकि सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, यानी फोर्स और वेलोसिटी या फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। इन दैट केस आई कैन से कि जो टेंशन फोर्स है इसका वर्क डन जीरो होना चाहिए। सेकंड स्पेशल केस हम देखेंगे वर्क डन के लिए व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट, यानी कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अब हमें पता है कि किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डेफिनेशन वर्क डन की कहती है dw equals f vector dot dr vector, प्लीज नोटिस यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए dr vector या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर को यूज करो। थोड़ा सा बस मैंने नोटेशन को डिफरेंट कर दिया है, मतलब अभी भी वही है, पहले मैंने लिखा था ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की जगह, इस बार मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया है dr वेक्टर द मीनिंग रिलेट्स। मान लीजिए ये हमारी डेफिनेशन है वर्क डन की और फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, इन दैट केस अगर हमारे पास एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है एक इनिशियल पोजीशन 1 से फाइनल पोजीशन 2 तक कोई हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसी पाथ के अलावा, तो मैं वर्क डन को कैलकुलेट कर सकता हूं बाय डूइंग दिस इंटीग्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा केवल dr वेक्टर का। हमें पता है dr वेक्टर का इंटीग्रेशन होगा r वेक्टर, फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट जब आप डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा f वेक्टर डॉट r2 वेक्टर माइनस r लिमिट। हमें पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज जस्ट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज वर्क डन एज f वेक्टर डॉट द टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r।
प्लीज नोटिस, आप वर्क डन को फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में आप वर्क डन को फोर्स्ड और डिस्प्लेसमेंट तभी बोल सकते हैं जबकि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो किसी फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स एफ वेक्टर 2y + j कैप एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है और उस पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं एक इनिशियल पोजीशन 1, 1 से फाइनल पोजीशन 3, 4। इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होगा उसको मैं इस इक्वेशन से यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूं। आई कैन से वर्क डन इज फोर्स डॉट विद डेल्टा r वेक्टर। डेल्टा r वेक्टर आपका होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर हमें पता है 3i + 4j है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर है i + j। सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 2i + 3j। यहां पे फोर्स वेक्टर की वैल्यू डाल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आएगा टोटल वर्क डन इक्वल्स 7 यूनिट्स। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्सेस एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, फोर्स की एसआई यूनिट्स होते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट्स होंगे मीटर्स, दैट मींस वर्क डन की एसआई यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर। इसको हम एक और नाम देते हैं जूल, जूल के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल जे। डाइमेंशंस भी हम ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, डाइमेंशंस ऑफ वर्क डन विल सिंपली बी द डाइमेंशंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डाइमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डाइमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट का होगा l1, दैट मींस वर्क डन का डाइमेंशंस होगा ml2 t-2। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज, आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।